राजधानी देहरादून के विकास नगर से ये खबर है, जहां लगातार बढ़ते तापमान ने लोगों के होश उड़ा दिए हैं। मौसम विभाग की माने तो अभी गर्मी से राहत मिलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। एक ओर जहां चिलचिलाती धूप ने लोगों को घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया है, तो वहीं गर्मी से राहत पाने के लिए लोग ठंडी जगह का रुख कर रहे हैं। बता दें कि ये तस्वीरें विकास नगर के कटा पत्थर क्षेत्र की है, जहां यमुना नदी के किनारे बड़ी तादाद में लोग पानी में गर्मी से राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। भले ही गर्मी से राहत पाने के लिए ये लोग यमुना नदी के कम पानी में अटखेलियां करते नजर आ रहे हों, लेकिन नदी में अचानक जलस्तर बढ़ने और गहरे पानी में डूब जाने का खतरा बरकरार रहता है। ऐसे में पुलिस ने जगह जगह बोर्ड लगाकर पर्यटकों को आगाह किया है कि वो नदी में नहाने ना जाएं। विकास नगर से इंद्रपाल सिंह की रिपोर्ट। ये वर्तमान में गर्मी को देखते हुए कई युवक और अन्य लोग यमुना, टोंक और अमलाव नदी की ओर पे जाके स्नान आदि करते हैं, तो हमारे द्वारा कई जगहों पर चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं जिन स्थानों पर पूर्व में ऐसे डूबने आदि की घटनाएं हुई हैं। इसके अतिरिक्त थाने द्वारा समय समय पर लाउड हेलर का प्रयोग करके लोगों को चेतावनी भी दी जाती है। इसके अतिरिक्त हमारे वहाँ जो SDRF की यूनिट है, उसमें एक जल पुलिस का पार्ट भी है, कंपोनेंट है, वो भी निरंतर रूप से नदी क्षेत्रों में भ्रमण करते रहता है कि किसी को कोई डूबने होने का वो मिलता है, समाचार मिलता है, तो तुरंत कार्रवाई करते हैं और हमारे द्वारा नियुक्त प्रति चेतावनी आदि दी जा रही है। सर, बात अगर कटा पत्थर से यमुना नदी की जाए, तो लोग बहुत से बच्चे या नाबालिग स्टंटबाजी कर रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ? हाँ, उनके लिए यही है कि हमारे जो पुलिसकर्मी है उनको चेतावनी देते रहते हैं और उनको उस स्थानों से जिस स्थान पर डूबने की संभावना रहती है, गहराई वाले स्थान है, उन स्थानों से हटने के लिए कहते हैं।